हाय फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक कंपैरिजन वीडियो है जेबियॉन पॉप डीजे स्पीकर का जेब्रोनिक्स 2X15L प्रो डीजे स्पीकर के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है जेबियॉन का पॉप डीजे स्पीकर। लुक वाइज ऐसे ही है जैसे आता है, बहुत प्यारा लग रहा है लुक वाइज। एक्चुअली इसमें खासियत क्या है कि एक तो 12-12 इंची के है ना, इसके अंदर 12-12 इंची के वूफर है। जैसे आप यहां देख रहे हैं, ये टोटल जो चार है वो 12-12 इंच के वूफर है, और ऊपर की तरफ देखेंगे ये ट्विटर लगे हुए हैं 5-5 इंच के। काफी मजेदार लगता है इसका, देखो लुक। अगर आप डिजाइन देखने की कोशिश करें तो काफी प्यारा लगता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट होगा तो आप इसको फील कर सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। और बाकी ये देखिए, इसमें इस प्रकार के इसमें हैंडल लगे हुए हैं और काफी मजबूत है हैंडल। और ये देखेंगे आप, ये है सब मास्टर वॉल्यूम, ये जेबियॉन पॉप का मास्टर वॉल्यूम है। ये जो लाइट हम चेंज कर रहे हैं ना, ये काफी प्यारी लगती है मुझे, नंबर वन ये। और साथ में दो, आपको पता ही है, इसके साथ दो माइक आते हैं वायरलेस वाले, इसे आप वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, ये इको एडजस्टमेंट, जैसे आप कहते हैं ना इको के लिए, तो इसमें इको एडजस्टमेंट भी हो जाती है। आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये है मास्टर इक्वलाइजेशन, ये 5 बैंड इक्वलाइजेशन है। और देखा जाए, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आता है, आपको अपने अनुसार जैसे ये इसको एडजस्ट करना होता है। आप दो माइक अलग से लगा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये बेस और ट्रेबल, ये पहला जो बटन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेस का है, ये ट्रेबल का है, काफी प्यारा है। और ये मोड है, ब्लूटूथ हो गया, ये देखिए इस वक्त हम बटन दबाते हैं तो ये FM हो गया, ये चेंज होता रहता है अपने अनुसार। और बाकी यहाँ पे इक्वलाइजेशन का भी है अलग अलग, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बाकी FM के लिए सर्च के लिए। तो लुक वाइज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। और अब रहा सवाल, जेब्रोनिक्स का 2x15L प्रो डीजे स्पीकर ये कैसा आता है लुक वाइज, अगर देखें ध्यान से तो 15-15 इंची के लगे हुए हैं। और ज्यादातर ये लोग जैसे डीजे वाले हो गए, इसको रेंट पे भी देते हैं, प्रोफेशनल लोग अपने अपने घर पे भी रखते हैं, जैसे इनका कुछ काफी खुला एरिया है, काफी मधुर साउंड के लिए काफी प्यारा है। और साउंड इसका पंचिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 इंची में आता है। और ये 7 बैंड इक्वलाइजर है, ये देखिए आपको अपने अनुसार इसको एडजस्ट करना होता है। और जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये 7 बैंड इक्वलाइजेशन में आता है। दो माइक आप लगा सकते हैं, माइक वन माइक टू, ये देखिए माइक वॉल्यूम, इको माइक ट्रेवल माइक बेस, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये आप देख रहे हैं ना, प्रोफेशनल कैरोके लाउड स्पीकर है, सिस्टम है। यहाँ पे आप गिटार, ये देखिए गिटार का वॉल्यूम है, गिटार भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक तरह से इसको भी हम मास्टर वॉल्यूम कह सकते हैं, बिकॉज इसी से ही दोनों के वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। बेस और ट्रेवल आप देख रहे हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है, लाइट का बटन आप देख रहे हैं, जो फ्रंट साइड में लाइट चलती है ना, इसको ऑफ कर सकते हैं। और जो जेबियॉन का पॉप है उसका बटन बैक साइड में बना हुआ है। यहाँ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, यहाँ पेन ड्राइव लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्लीप मोड में होता है, और इसमें माइक प्रायोरिटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, बाकी इनपुट का भी ऑप्शन है। ओवरऑल चीज आपको कैसे लगी आप मुझे जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट डालना। अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना हो तो tulipsmile.com से तो बाय कर सकते हो, या कोई डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया है, लिंक दिया है, आप वहां पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल, ये कैरोके जो दोनों के दोनों स्पीकर है, जेबियॉन पॉप और जेब्रोनिक्स 2x15L कैरोके सपोर्ट करते हैं। चलिए मैं आपको इनकी एसेसरीज दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक काम करते हैं, जो फिलहाल आप जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जेबियॉन का पॉप डीजे स्पीकर है, इसकी हम आपको एसेसरीज दिखाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, एसेसरीज की अगर हम बात करते हैं पॉप की, पॉप में दो वायरलेस माइक आते हैं, इस प्रकार के आते हैं। इसमें आपको जो सेल है मैं दिखा देता हूं फ्रेंड, यहां पे सेल डालने पड़ते हैं। इस प्रकार का आपको दो वायरलेस माइक मिलते हैं। एसेसरी में आपको क्या मिलता है साथ में, एक तो इसके साथ एक केबल मिलती है आपस में कनेक्ट करने के लिए, और एक यूजर मैनुअल मिलता है इस टाइप का, और इस प्रकार का आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलता है। तो आपको चलो एटलीस्ट अब आइडिया मिल गया जेबियॉन पॉप के एसेसरीज के बारे में। चलिए क्यों ना अब हम जेब्रोनिक्स का 2x15L जो है स्पीकर, डीजे स्पीकर, उसके एसेसरी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये एक प्रकार की ये आती है RC टू स्टीरियो केबल, ये आती है RC टू RC केबल, ये आपस में कनेक्ट करने के लिए आती है केबल, एक यूजर मैनुअल आता है इस प्रकार का एक आपको प्यारा सा रिमोट कंट्रोल मिलता है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, दो माइक मिलते हैं, एक आपको FM केबल मिलती है, ये LED केबल है जो आपको दोनों स्पीकर में कनेक्ट करना पड़ता है ताकि स्पीकर में लाइट ग्लो कर सके दूसरे वाले पे। और चलो आपको एटलीस्ट आइडिया मिल पा रहा है कि जेब्रोनिक्स का 2x15L प्रो की एसेसरीज क्या क्या है।
और साथ ही साथ जेबियन का जो पॉप डीजे स्पीकर है उसकी एक्सेसरीज क्या क्या है। और फ्रेंड अभी क्यों ना हम आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो इनके जो बैक साइड है, बैक साइड में कनेक्टिविटी कैसे है। लास्ट टाइम आपको आपको याद रहा होगा कि एक मैंने वीडियो बनाई थी जेब्रोनिक्स की रॉक डीजे की 2x15L Pro के साथ, तो सेम ही है। मैं उसकी क्लिप दिखाता हूँ, बैक साइड से कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है, और उसके बाद हम ऑडियो टेस्ट भी करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेबियन का है, और ये देखिए ऑडियो आउटपुट केबल है, जैसे ब्लैक और रेड का दिख रहा है यहाँ पे। ये वाली केबल इसके सेकंड वाला जो बॉक्स होता है इसकी इस तरफ लगती है, इसी प्रकार की लगती है। प्लस इस बॉक्स से एक केबल जा रही होती है एलईडी आउट, यानी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है एलईडी आउट में, सो दैट कि इस साइड की तरफ जो लाइट है वो ग्लो कर सके। इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसमें ऑडियो इनपुट का ऑप्शन दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा FM एंटीना केबल है। ये एलईडी पावर है, यानी कि अगर आप फ्रंट साइड में एलईडी नहीं चाहते, यहां से अगर आप ऑफ कर दोगे तो फ्रंट साइड की एलईडी ऑन होना बंद हो जाएगा, यानी कि एलईडी ग्लो नहीं करेगी। और बाकी यह इसी प्रकार का रॉक का। चलिए क्यों ना आप जेब्रोनिक्स का 2x15L Pro के बैक साइड के बारे में देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये राइट आउटपुट है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं केबल, ये वाली केबल यहां लगती है इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्लस ये एलईडी, अगर जो आप फ्रंट साइड में एलईडी जो लाइट ग्लो करना चाहते हैं साथ वाले बॉक्स में, तो ये केबल यहां पे लगाना जरूरी है। ये FM एंटीना की केबल है, देखा जाए जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, और RCA इनपुट का ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। चलिए एटलीस्ट अब आपको आइडिया तो लगा ना प्रोडक्ट के बारे में, तो चलिए क्यों ना अब हम ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोनों का। चलिए चलिए फ्रेंड, अब हम इसका JBM जो पॉप डीजे स्पीकर है उसका हम ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक मैं एक ट्रैक प्ले करूंगा, उसे हम आइडिया लेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, आपका ये जो जेब्रोनिक्स का 2x अपना जो 15L है उसका हम थोड़ा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसका हम आइडिया ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड, वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा ओवरऑल, जैसे इनकी आवाज है कैसा लगा आप मुझे भी बताइएगा। वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसमें ट्रैक प्ले किया था, जैसे आप देख रहे हैं जो JBM पॉप है उसकी आवाज भी काफी मधुर है। उसका एक तो बात यह है कि इसकी जो साउंड है काफी पंचिंग है, मजेदार है, और 5-point इक्वलाइजर में आता है, और जितने हिसाब का अपने रुपए में आता है रिटेल में उसके हिसाब से काफी वर्थ करता है। आप इसको भी बाय कर सकते हैं, अगर आपको बाय करना हो tulipsmile.com से तो परचेज कर सकते हैं, या कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फोन नंबर भी दिया, वहां से भी बाय कर सकते हैं। और कैरोके सपोर्ट करता है, अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो आप गाना गा सकते हैं। चलिए अब क्यों ना हम जेब्रोनिक्स का जो 2x15L जो आता है डीजे स्पीकर प्रो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 15 इंची के आपने तो देखा था, इसमें ड्राइवर यूनिट है, हॉर्न ट्विटर लगा हुआ है, इसमें कैरोके भी इसमें पॉसिबल आप गा सकते हैं। वैसे भी देखा जाए प्रोफेशनल कैरोके लाउड स्पीकर सिस्टम है, 2 वायरलेस माइक के साथ आता है, आप गाना गाना चाहे गाना गा सकते हैं। माइक प्रायोरिटी का भी ऑप्शन है, वो थोड़ा हाई रेंज में आता है। अगर आपको लेना हो तो आप tulipsmile.com से बाय कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारा जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको मजेदार लगा, थोड़ा बहुत मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपनी तरफ से तो मैं फ्रेंड पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और बाकी ये दोनों प्रोडक्ट ऑन साइड वारंटी के साथ आते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इनके कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं। जो मेरा आज का जो पर्पज था, जैसे कि ऑडियो टेस्ट करना था इसका हमने कर ही लिया है, एक्सेसरी दिखानी थी आपको दिखा लिया, जो बताना था मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।